अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी एकदम ठीक हैं। और आप सबको रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। और ये रमज़ान की पहली शहरी है। ये वाला व्लॉग जो है वो थोड़ा लेट हो गया आने के लिए, एक दिन लेट हो गया है, क्योंकि परसों था पहला रोज़ा, तो उस दिन का है ये व्लॉग मैं आज डाल रही हूँ। और जो दूसरे रमज़ान का और तीसरा रमज़ान होगा, इंशाल्लाह वो दोनों का साथ में कोशिश करूँगी डालने के लिए। थोड़ा काम रहेगा कल, तो इसलिए मैंने कल एडिटिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिला मुझे। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, डालने से मतलब है, एक दिन लेट हो जाएगा तो चलेगा। और ये सालन बनाने की तैयारी कर रही हूँ मैं। जैसे सालन बन जाएगा फिर शायरी करेंगे, फिर मिलते हैं आपसे। तो कोई चलाने आता है कि ऐसे ही खेल रहे हैं घंटे से हैं? आते हैं? नहीं आता? मुझे दे दे, मैं चला के बताती हूँ। हैं? फोन भी, लैपटॉप भी कर क्या रहे? नहीं बताएगा? मत बता। मैं और अलविदा दुकान पे रहे तो आ रहे बेस्ट ऑफ लक पीने के लिए। पानी पानी पीने के लिए क्या लेना? रोजा नहीं है? रोजा खोलने के टाइम, रोजा खोलने के बाद तो मैं बनाऊंगी ना कुछ, वो पी लेना, जूस वूस कुछ, शरबत वरबत। ओके चल फिर हम लोग जाके आते हैं। ये नहीं बोल रहे कि लाओ मैं लेके आता हूँ, इतना बड़ा बेटा बैठा है, माँ जा रही है। बोलना चाहिए अम्मी रुको मैं लेके आता हूँ, ऐसा बोलना चाहिए। बोल, झूठे मुँह ही बोल दो। नहीं बोल? कैसा बेटा मिला है? हाँ जल्दी आके लेके आओ। चल यार सहेली नहीं ली कबाट के ऊपर, एक वो ले ले छोटी सी, जल्दी लेट हो जाएगा बेटा ऐसी टाइम। तेरे पास रख, मैडम तैयार हो गई है बैग वैग लेके। देखा अलवे टांग के बताओ स्टाइल मार के, देखू बैग, देखू बैग स्टाइल मार। शादी में जा रही है, चलो मिल जाएगा अभी। चल टाइम नहीं आके अफ्तारी बनाने का है। मेरी खूबसूरत बेटी को सब लोग देखें तो सही, जानते हैं ना सब लोग। चलेगी ठीक है। चल फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं ना सामान लेने। हाय गाइस, आप कर उसको पूरा एक थैली में भर दे, तोड़ तोड़ के फ्रिज में लग देते हैं। वो पूरा ऐसे ही खराब करेगी काट काट के भी। कल तक थोड़ी सूख जाएगा, कल तक सूख जाएगा तो कल रखेगी। डंडी देख तेरे को लगेगी, देख उनको चक्कर आ रहा है। देख देख कैसा खींच रही है। अभी तो असर है, और हो गया है असर का टाइम। अभी अफ्तारी बनाने का टाइम हो गया, और मैंने सारी तैयारी कर ली उसके लिए। ये कैरेट हो जो मैंने बारीक बारीक उसको घिस लिए, और एक ककड़ी है, और ये शिमला मिर्ची है, और थोड़ी सी है ज़्यादा है, और कैबेज पाव 300 ग्राम तक कैबेज है उसको भी मैंने घिस लिया है। और ये मसाला है जो हम लोग चिकन में डाल के उसको बॉईल करेंगे, उसके लिए मसाला थोड़ा सा मिक्स करके पीस के मैंने साइड में रख ली हूँ। और उसके लिए ब्रेड ली हूँ सैंडविच, क्या नाम है, ब्रेड में बनाऊँगी। और ये चिकन है, ये 300-400 ग्राम के करीब होगा, बोनलेस चिकन है, तो इसमें मैंने सारा मसाला डाल दी हूँ।
और नमक थोड़ा सा, जितनी ज़रूरत है उतना नमक डाल के, और इसको हम ढककर इसको हम पका लेंगे करीब 5-6 मिनट, काफ़ी रहेगा। मीडियम फ्लेम पे रख देंगे कि गल भी जाए अच्छे से, और जो है इसका पानी जो थोड़ा बाकी रहे, एकदम ड्राई नहीं हो जाए, थोड़ा थोड़ा हल्का सा पानी बाकी रहेगा ना, फ्लेम ऑफ कर देना है। ये देखो कुछ इस तरह से इसका पानी जो है सूख गया है, मतलब थोड़ा है भी और एकदम मतलब सूखा नहीं है, और ऐसा रहता ना हल्का हल्का पानी ना, बस ना काफ़ी। इसमें हम लोग गैस ऑफ कर देंगे और इसको निकाल के ठंडा होने के लिए इसको साइड पे रख देंगे। तो बस मैंने उसको चिकन को पीस पीस कर लिया है, और ये सारा सामान यहाँ पे रख ली हूँ, और ब्रेड ले ली, उस पर मायनीस लगा के, फिर सॉस लगा के, और ये सारा वेजिटेबल्स और चिकन उस पर रख के, फिर हम दूसरा ब्रेड रख के ऐसे इस तरह से फ्राई कर लेंगे। ये देखो, ये देखो इतना सारा मैंने ये फ्राई कर ली हूँ फटाफट। मीडियम फ्लेम पे करना, अगर हाई फ्लेम पे करेंगे तो जल जाएगा ब्रेड, ढंग से पकेगा नहीं। सारा मसाला जो था मैंने क्या कि एक साथ में मिक्स कर दी, बार बार डालने से अच्छा है ना मिक्स कर, थोड़ी कैबेज बाकी रह गई और ये फ्राई हो रहा है और बाकी उतना हो गया है। ये अलवीरा मायनीस निकाल रही है, मायनीस भी मैंने घर पर बनाई है, इसकी रेसिपी चाहिए तो बता देना, तो मैं बना के चैनल में डाल दूंगी। सॉस भी मिला ले उसमें, नहीं उसका जूस नहीं है। खोल के नहीं, छील के रखते हैं संतरा। देखा अंदर से कैसे दिख रही है, अंदर से एकदम खूबसूरत, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। सो अभी वीडियो बस, हम लोग भूख लगी है, बाय बाय। ये देखो कैसे अफतारी कर रहे हैं स्टाइल में, सब चपटा है अलविदा अबू कर। कैसे सैंडविच, अच्छा है, मस्त है, परफेक्ट। दिखाओ जरा फटाफट, टाइम नहीं है वेस्ट नहीं करना। पहले इंसान होंगे ऐसे स्टाइल में रोजा खोल रहे हैं। अभी मस्जिद में जाने की अलविना तैयार, क्या बोल रही मैं अलविना तैयार मस्जिद में जाने की तरावी चल चल लेट हो जाएगा, चल। कौन सा लिए सॉक्स, दिखा मुझे कितना धुंधला आ रहा है ना, जाएगा चलेगा, बंद नहीं हो रहा, रहने दो ना, कहाँ कौन सा गिर जाएगा, रहने दो बेटा, चल लेट हो जाएंगे, चलो चलो आते हैं, बाल दिखता रहता है आगे से। अच्छा सही हो जाए, चल चल बेटा। हम लोग की 2 रकात छूट गई, तो जल्दी कल से हम लोग जल्दी जाएंगे। अबू आए, भाई भी नहीं आया, हम लोग आके खाना खाएंगे। मोमो चिल्लाई थी, बूथ के लिए अबू को दिखाना पड़ेगा, क्या बोली, फोन करके पूछो कि कभी आ रहे। हाँ अगर लेट हुए तो मैं खाने आ रही हूँ, इतनी भूखड़ है, बोलती भाई आया चाहे नहीं आया, अबू आया चाहे नहीं आया, मैं खा रही हूँ। ऐसा लग रही है, ऐसा आज तक हुआ है कि घर में हुआ है, भूख लो सब लोग खा लेते। ठीक है अभी करती, रुक जाएगी।